हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एवरीवन आई एम ऑडिबल एंड यू ऑल आई होप सो सभी का स्वागत है वेलकम है इस सेशन में सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिलर्स और जैसा कि आपको पता है कि अब आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सेशन हम कर रहे हैं uh, आपको एग्जाम से पहले मैराथन सेशन भी इस चैनल पे मिलेगा लेकिन तब तक हम टॉपिक वाइज रिविजन करते चल रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि लेवल जो है वो आईबीपीएस के आसपास ही थोड़ा उससे नीचे ही होता है आरबीआई असिस्टेंट का तो क्वेश्चन के लेवल की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं होती है राइट right? सो so, उसी तरह के क्वेश्चन आपको आज यहाँ पे दिखाई देंगे देर आर फिफ्टीन क्वेश्चन ऑफ सिंगल ब्लैंक प्लेसेस सभी का वेलकम है प्रतीक आंचल आकांक्षा खुशी स्नेहा जस्ट एक्सप्लोर सपना वेलकम वेलकम एवरी वन सो आई ये विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओनली चलें आगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है इन मेनी कंट्रीज द इन पे फॉर मेन एंड वेमेन इज क्वाइट कॉमन फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी वेमेन आर पेड ट्वेंटी वन परसेंट लेस एज कंपेयर टू हां जी अभी एट मार्च को विमेन्स डे गया है और यह मुद्दा बार बार उठता है राइट इक्वल पे बताइए क्या लग रहा है किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप वर्ड्स आर इजी अनलाइकलीनेस इक्विवेलेंस बैलेंस एंड डिस्पैरिटी किसके साथ जा रहे हो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है आकांक्षा इज गोइंग विद ए नेहा इज गोइंग विथ डी काजल गुड इवनिंग आंसर द क्वेश्चन सपना इज ऑल्सो गोइंग विथ डी गुड इवनिंग आयुष तो भाई देखो सिंगल ब्लैंक प्लेस का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा फिलर का वो कैब बेस्ड तो बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उस सेंटेंस के अंदर ही उसका जवाब छुपा हुआ है सेंटेंस क्या कह रहा है कि बहुत सारे देशों में महिला और पुरुषों के बीच में कुछ कॉमन है अब वो क्या है वो यहां पे आपके पास ऑप्शन में से चूज करना है एग्जांपल दे रहा है जर्मनी में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ट्वेंटी लेस पेमेंट मिलती है तो यह क्या है यह डिस्पैरिटी है ये डिस्पैरिटी है पैरिटी का मतलब क्या होता है बराबर राइट सो दिस इज डिस्पैरिटी जहां बराबरी ना हो तो बहुत सारे देशों में महिलाओं और पुरुषों की जो पेमेंट है उसमें बराबरी नहीं है राइट right? ये सीधा सीधा बता रहा है अनलाइकलीनेस का कोई लेना देना नहीं है कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आप बाहर करते हैं क्योंकि वैलेंस का भी कोई लेना देना नहीं है और डिसअग्रीमेंट का भी कोई लेना देना नहीं है एज पर द कॉन्टेक्स्ट सो देर आर सर्टन पैरामीटर्स जिनका ध्यान आपको रखना पड़ता है जब भी आप फिलर के क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सेंटेंस पढ़ के कॉन्टेक्स्ट का पता लगाना कि किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे शब्द चाहिए या उसकी कॉनोटेशन का पता लगाना कि मुझे पॉजिटिव वर्ड चाहिए कि नेगेटिव वर्ड चाहिए कॉनोटेशन जिसे हम कहते हैं उसके बेसिस पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कर सकते हैं और कॉलोकेशन यानी यहाँ पे ब्लैंक प्लेस के आगे और पीछे कैसे शब्द हैं उसके साथ किस शब्द की जोड़ी बन रही है क्योंकि कई बार दो वर्ड में आप कन्फ्यूज होते हो बिकॉज बोथ द वर्ड्स आर सिनोनिमस सो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सारी टेक्निकल चीजें मदद करती हैं तो एज पर कॉन्टेक्स सारे के सारे ऑप्शन बाहर हो गए डिस्पैरिटी आप सुनते हो ना कहा जाता है एट पार एट फ्रेंच एक्सप्रेशन है आ, हम इंग्लिश में तो बोल लेते हैं उसको पार एक्सेलेंस बट द राइट प्रोनाशिएशन इज पार एक्सेला आप सुनते होंगे कई बार किसी परफॉर्मर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो कहा जाता है योर परफॉर्मेंस इज पार दैट्स द बिकॉज इट्स अ फ्रेंच वर्ड एंड फ्रेंच की प्रोनंसिएशन अलग होती है तो एट पार का मतलब बराबरी पे और जहां बराबरी नहीं है डिस नेगेटिव हो गया डिस्पैरिटी चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशंस द मीटिंग हैज बीन टिल नेक्स्ट वीक यस डिटेल्ड डेलिब्रेशन के बाद डेलिब्रेशन का क्या मतलब होता है जब डिटेल्ड मैनर में आप किसी बात के ऊपर चिंतन मनन करते हैं तो डिटेल डिस्कशन के बाद मीटिंग को क्या कर दिया गया नेक्स्ट वीक के लिए प्रपोज कर दिया गया एडजर्न कर दिया गया रिव्यू कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया क्या लग रहा है सारे शब्द आसान है एडजर्न कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे आज की सभा समाप्त होती है स्थगित किया जाता है आप ये पार्लियामेंट में भी सुनते हैं ये एडजर्न वर्ड तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया अगले सप्ताह के लिए नेक्स्ट वीक के लिए ठीक है सो कैंसल्ड तो बिल्कुल अब कैंसल शब्द का मतलब कैंसल कर दिया गया कैंसल नहीं होता आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं ठीक है एडजर्न नेक्स्ट वन वेरी गुड मोस्ट ऑफ यू गॉट इट एब्सोल्युटली करेक्ट टूडे सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन अब आप देखो जैसे ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी आपको देखनी होती कि ब्लैंक प्लेस पे मुझे क्या चाहिए सोसाइटी नाउन है यू नीड एन एडजेक्टिव इफ यू लुक एट ऑल द फोर वर्ड्स गिवन आउट हियर ऑल द फोर वर्ड्स ग्रामेटिकली आर एडजेक्टिव्स ओनली अब यहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ठीक है कॉस्मोपोलिटन डिवेलपिंग ग्रोइंग एंड इंडस्ट्रियलाइज कौन सी सोसाइटी जो है अर्थ को पॉइजन कर रही होगी एसिड रेन के द्वारा ड्रेन का कनेक्शन किसके साथ दिखता हुआ नजर आ रहा है आपको वेरी गुड आकांक्षा विकास खुशी सपना डी इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड की बात कर रहा हूं मैं थर्ड क्वेश्चन क्लियर बात समझ में आ गई कॉस्मोपॉलिटन किसे कहते हैं कहो आप डेली इज कॉस्मोपॉलिटन सिटी जहां पे हर जगह के लोग आकर के रह रहे सब के हो सबके लिए वेलकमिंग हो डेवलपिंग एंड ग्रोइंग आप सुनते रहते हैं बट अगेन डिवेलपिंग एंड ग्रोइंग इसका सीधा सीधा आप एसी ड्रेन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो अब आप अगर मान लो इमेजिन कर लो फीलिंग में अपने कि नहीं एक ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इज नो तो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री का कचरा है और ये है वो है जब वर्ड आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है इंडस्ट्रियलाइज्ड राइट right, तो कहीं इधर उधर हमें भटकना नहीं डेवलपिंग ग्रोइंग आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड भी वैसे भी कैसे आप सीधा उसको ऐसी ड्रेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो बट इंडस्ट्रियलाइज को जरूर कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके लिए क्या शब्द आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए क्या शब्द है एक बड़ा प्यारा सा एक शब्द है कंफ्यूजिंग वर्ड में भी आता है आपको हिंट दे देता हूं मैं तो वो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लेवल मोर और लेस ऐसा ही रहता है इफ यू डिस्क्राइब सम वन एज यू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर ऑल दो यू मे बी अफ्रेड ऑफ हर एज वेल आई थिंक प्रॉब्लली पहले तीन के बाद ये थोड़ा सा आपको बेहतर क्वेश्चन यहां पर नजर आता हुआ अब आप कहोगे सर इन शब्दों का मतलब नहीं पता ऐसा है क्या अभी तक बड़ा इजी इजी चल रहा था मैं गियर बदल देता हूं फिर थोड़ा सा बीच में सपना को इजी लग रहा था बताओ अभी करेक्ट ऑप्शन थोड़ा वार्म अप करनी पड़ती ना क्लास मान लो शुरू में पहला क्वेश्चन यही देते दे तो आप परेशान हो जाते देख लो सीख लो आ जाओ यहां पे सीख लेते हैं चीजों को क्या लिखाओ इफ यू डिस्क्राइब सम वन एज यू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर ऑल दो यू मे बी अफ्रेड ऑफ हर एज वेल इसका मतलब कि इन चारों शब्दों में से एक शब्द का मतलब यहां पे लिखा हुआ है चारों में से एक शब्द का मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो आदमी इस जो शब्द यहां पे करेक्ट है उसका मतलब कि वो इंसान ऐसा होगा कि आप उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट भी रखते होंगे लेकिन साथ ही साथ आप उससे डरते भी होंगे और वो वर्ड है रीडाउटेबल दैट इज द करेक्ट वर्ड आउट ये जैसे होता है ना कई बार आप स्पोर्ट्स में बहुत सुनते हैं फॉर्मिडेबल uh, ओपोनेंट ये वर्ड इस्तेमाल होता है ही दैट टीम इज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट आप या तो मान लो ऐसे खेल में हो जहां दो खिलाड़ी हैं लेकिन आपका जो ओपोनेंट है जो uh, जिससे आपका वो फाइट चलेगा उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर अगर वो बहुत अच्छा है अब उस स्पोर्ट्स के अंदर तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो रीडाउटेबल तो डेफिनेटली आप क्या है आप उसके लिए रिस्पेक्ट भी रखते हैं और साथ ही साथ डरते भी हैं कि कहीं ये हरा ना दे मुझे क्योंकि ये अच्छा है इसीलिए रीडाउटेबल का मतलब जैसे हम कहते हैं ना इंस्पायरिंग कि उसको देख करके आपको लगता है यार ये इंसान को तो मैं बचपन से यू नो फॉलो कर रहा था ही वॉज माई आइडियल बिकॉज ये स्पोर्ट्स के टॉप पे है आज उसके साथ आपका सामना हो जाए तो वही चीज उसके लिए हम रीडाउटेबल लगाते हैं बल्कि जो नॉइसम शब्द है ये आ, मतलब एक ऑफेंसिव स्मेल के लिए भी आता है नुआसम जो चीज़ अनप्लेजेंट है मोटे तौर पे देख सकते हो अनप्लेजेंट राइट right, अनप्लेजेंट के लिए एक हाई डिग्री का शब्द हमारे पास कौन सा आता है नॉक्स स्मेल स्मेल ऑफेंसिव मैंने कई बार बताया हुआ है आपको इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट शब्द है अगर कोई काम आप परफंक्टेरिली कर रहे हो इसका मतलब आप उस काम में सतही तौर पे इंटरेस्टेड हो यू आर जस्ट इंटरेस्टेड सुपरफिशियली इसको हम कहते हैं सुपरफिशियली इंटरेस्टेड होना और इसके साथ दो वर्ड में बार बार डिस्कस करता हूँ कहीं ना कहीं आपका मिलन हो ही जाता है एंड दो वर्ड्स आर वॉट अन इंटरेस्टेड एंड डिस इंटरेस्टेड ये तीनों शब्द इंटरेस्ट के साथ कनेक्टेड हैं इनको हमेशा ध्यान रखिए बहुत सारे लोग इन दोनों वर्ड्स में गड़बड़ करते हैं उन्हें लगता है दैट बोथ दीज वर्ड्स कैन बी यूज इंटरचेंजली बट दैट इज नॉट द केस राइट द वर्ड्स आर डिफरेंट मीनिंग्स आर डिफरेंट इफ यू आर अन इंटरेस्टेड इन समथिंग मीन्स वॉट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते तो बोलो आई एम अन इंटरेस्टेड इन दैट डिस इंटरेस्टेड मत बोलो आप डिस इंटरेस्टेड का मतलब होता है यू आर अनबायस्ड इन दैट थिंग आप उसमें इसको हम कहते हैं निष्पक्ष होना यानी आप किसी पक्ष विशेष की तरफ अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे जैसे कोई जज या अंपायर है तो उससे उम्मीद की जाती है कि उसका कंडक्ट जो है उसका बिहेवियर जो है वो डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए सो डू रिमेंबर दिस डिफरेंस एंड प्रोलिक्सिटी प्रोलिक्स ये लिक्स वर्ड के लिए इस्तेमाल भी के लिए यूज होता है एक शब्द आपने किया होगा जरूर कभी ना कभी इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्बोज वर्बोज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सम हु यूजेज मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड इधर इन स्पीकिंग और राइटिंग उसको हम वर्बोज कहते हैं एंड वर्बोज इज एडजेक्टिव वर्बोसिटी इज नाउन मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड तो प्रोलिक्सिटी भी वही है जहां पे आप लेंदी लेंदी सेंटेंसेस लिख रहे हैं मतलब जरूरत से ज्यादा ही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है लिंदी है भर भर के शब्द है उनको हम प्रोलिक्स कहते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज सी फॉर कैलकाटा नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर्क फ्रॉम अ डीलर इन एंटीक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द डेली एयरपोर्ट आई थिंक दिस इज द टाइप ओ कस्टम्स नॉट कस्टम कस्टम्स एनी सो आई थिंक दिस वन इज इजी आई थिंक जस्ट देखते ही आप कर लोगे कॉन्फेस्केट ये तो आप डेली बेसिस पे सुनते हैं और इसीलिए बार बार सुझाव भी मेरा होता है कि इफ़ यू आर एन एस्परेंट ऑफ मैनेजीरियल एग्जाम्स बैंकिंग एग्जाम्स बिकॉज मैनेजीरियली है ये यू शुड रीड न्यूज पेपर्स मैगजीन्स जितना एक्सपोजर लेते हो आप लैंग्वेज का सुनना पढ़ना और देखना उतनी लैंग्वेज पे आपको कमांड आती है तो ये बहुत ही बेसिक शब्द है कॉन्फेस्केट करना जब कस्टम्स वाले एयरपोर्ट पे पोर्ट पे चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो हाथी के दांत से बने सामान यू नो एंटी पीसेज अप्रोप्रिएटेड हाईजैक वर्ड्स आर प्रजी अनेक्स वर्ड बहुत देखा सुना होगा आपने अभी जो चल रहा है यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है उसमें आपने क्रीमिया को रशिया ने 2014 में अनेक्स कर लिया था या आप जब कोई डॉक्यूमेंट देखते होंगे या फॉर्म भरते होंगे उसमें अनेक्जर आता है अनेक्जर का क्या मतलब कि मेन डॉक्यूमेंट में जो बाद में ऐड कर दिया जाए तो वैसे ही रशिया के Uh, भूभाग के अंदर उसने उसको अनेक्स कर लिया जोड़ लिया क्रीमिया को एक वर्ड कितने तरह से यूज होता है उसको रिलेट करने की कोशिश आपको करनी चाहिए रेस्ट ऑफ़ द वर्ड्स आर प्रिटी इजी, नो नीड टू डिस्कस आइए आगे बढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक्सपेडाइट जुडिशियल डिस्पोजल्स एंड रीस्टोर इन द रूल ऑफ लॉ यस आसान सा शब्द है सारे के सारे वर्ड्स आर इजी वेरी गुड अजय सपना राहुल राहुल चेक करो सही है क्या थोड़ा बहुत बहक गए हो कुछ लोग ऑप्शन में ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इफ आई यू दिस सिंपल क्वेश्चन जितने लोग मेरे बैचेस में रहे हैं कभी भी वो जरूर इस सवाल का आंसर कर सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं ये किस तरह का फ्रेज है इट्स अ नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज वोबियल फ्रेज तो जवाब क्या होगा आपका दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड सब्जेक्ट का रोल कौन प्ले करता है नाउन एंड बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड सो इट विल बी कॉल्ड नाउन फ्रेज एंड हियर दिस नाउन फ्रेज इज एक्टिंग एज इन सब्जेक्ट राइट उड एक्सपीडाइट एक्सपीडाइट का मतलब किसी चीज का स्पीडी डिस्पोजल करना सो उस प्रोसेस को तेज करना तो जुडिशियल डिस्पोजल्स एंड रीस्टोर क्रेडिबिलिटी इन द रूल ऑफ लॉ अब आप देखिए क्रेड रूट वर्ड होता है किसके लिए ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के लिए रूट वर्ड होता है लॉट ऑफ वर्ड्स वी हैव क्रेडिबल इनक्रेडिबल एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट इनक्रेडिबल का मतलब क्या है क्रेडिबल जो भरोसे के योग्य है एबल या एबल सफिक्स मींस एबल वो जानते हैं आप इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है बट यूज होता है पॉजिटिव कॉन्टेक्स में इनक्रेडिबल इंडिया अविश्वसनीय भारत या किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है भरोसा नहीं होता आप कैसे तारीफ करते हो वॉट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस राइट सो वहीं से एक बड़ा प्यारा और शब्द आता है लगे हाथ सीख लीजिए राइट क्रेडिबल इनक्रेडिबल क्रेडिट क्रिडेंशियल बट लॉट ऑफ पीपल कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू वर्ड क्रेजुलस क्रेडिबल में कई बार कंफ्यूजन होता है तो क्रेजुलस आप उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही बेचारा सीधा साधा है जिसको कोई भी चूना लगा जाए समलिबल

फेथ इज अ डिफरेंट थिंग फेथ किस में यूज होता है किस कॉन्टेक्स्ट में फेथ और ट्रस्ट में और आ, आ, और कौन सा शब्द है हमारे पास यू you नो know, इसी के साथ जुड़ता मिलता जुलता हुआ कुछ और शब्द बता सकते हो आप इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इज आस्किंग व्हाई नॉट फेथ फेथ जो है वो बिलीफ यस बिलीफ शब्द आ गया मेरे दिमाग में खुद कई बार ये दिक्कत आती बिलीफ में फेथ में ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है क्योंकि सारे शब्द ये मिलते जुलते लगते हैं तो बिलीफ में कई बार होता है कि नहीं ये हमारा बिलीफ सिस्टम है बिलीफ में उतनी इंक्वायरी नहीं होती सामने से जो भेजा गया आपने मान लिया दैट इज बिलीफ बट फेथ के साथ ये कनेक्ट किया जाता है कि फेथ इंक्वायरी के बाद आती है और कई बार ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल हो जाता है राइट right? किस फेथ से है तो उसमें हम इसको यूज कर लेते हैं ठीक है फेथफुल किस तरह से यूज होता है आप जानते हो उस वर्ड को तो इस बात का ध्यान यहां पे रखना है बिलीव और बिलीफ में फर्क है स्पेलिंग क्लियर होनी चाहिए प्रोनाउंसिएशन भी हम जब नाउन की बात करेंगे तो दैट इज वॉट दैट इज बिलीफ ये नाउन है बिलीव बी इज वर्ब राइट सो हेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम यहां फेथ ऑफ द सिस्टम सुनते हो क्या आप अभी जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आए चुनाव आयोग की बार बार बात होती है या जुडिशरी की बात होती है यू टॉक अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। नहीं क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा किया जाता है फेथ पे सवाल नहीं खड़ा किया जाता एंड दैट इज वाई आई एम अर्जिंग यू पीपल दैट प्लीज डू टेक द एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ रीडिंग लिसनिंग एंड वॉचिंग सो दैट ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट -फड़ सॉल्व कर दोगे राइट right? तो कई जगहों पे शायद आप लॉजिक से मेरा तो काम है मैं लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूं मैं और वर्ड उसमें और ऐड कर देता हूँ उससे जुड़े हुए और शब्द आपको बता जाता हूँ लेकिन एग्जाम में आपने ये कोशिश करनी है अगर आपका एक्सपोजर रहेगा तो आप सीधे लैंड करोगे सही ऑप्शन पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज गॉन आउट टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री गवर्न डिलीवर स्ट्रेच एंड अपहोल्ड के साथ जा रहे हो करेक्ट ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट गवर्न करता है गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना एग्जीक्यूटिव बॉडी का वो जुडिशरी है वो लॉ को अपहोल्ड करती है ये काम होता है जुडिशरी का तो वही है सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज गॉन आउट टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री तो बहुत आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर सकते मतलब डिलीवर और स्ट्रेस तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है डिलीवर द इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है गवर्न की फीलिंग आपको आ सकती बट जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा दिमाग दिया कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का काम गवर्न करना नहीं है उसको एक काम ये देखना है कि संवैधानिक तरीके से पूरा प्रोसेस सिस्टम प्रोसीजर चल रहा है या नहीं उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना उसकी जिम्मेदारी है ठीक है उस चीज़ को सस्टेन करना मेंटेन रखना बनाए रखना दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अपहोल्ड आउट हेयर दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन Now let's move to the next question. With great and admirable the renowned orator spoke to the crowd gathered in the lecture hall. Twile adro finesse and tedium. Tell me किसका जवाब सही आ रहा है खुशी इज खुशी फिटनेस नहीं है फिटनेस है सपना इज करेक्ट आ, खुशी इज करेक्ट वेरी गुड तो भाई कौन सा वर्ड नहीं पता लग रहा है ये अडू नहीं सुना है आपने हम कहते हैं जैसे हम भी क्लास में इस्तेमाल करते हैं विदाउट फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड आप किसी सेमिनार में जाइए कॉन्फ्रेंस में जाइए तो जो भी वहां पे स्पीकर एंकर जो है कई बार वो कहते हैं विदाउट फर्दर अडू यानी और विलंब करने के बजाय लेट्स कम टू द पॉइंट लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं ये तो अडू उसके लिए इस्तेमाल होता है कि आप फालतू का समय खराब ना करें फिनिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड और वही यहाँ पे करेक्ट वर्ड भी है जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि भाई आपको पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए शब्द तो कॉनोटेशन आप बता पाएंगे कि भाई जब ग्रेट और एडमिरेबल लिखा हुआ है यानी दो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं और आगे भी लिखा द रिनोन्ड ऑरिटर यानी जो बहुत प्रख्यात वक्ता है ओरेटर ओरेटर के लिए एक शब्द और ध्यान में आ रहा है नोट कर लीजिएगा जरूर पोलमिक कहा जाता है जो एक अच्छा वक्ता होता है डिबेटर खास तौर से यू नो समन हैज फैंटास्टिक पोलमिकल स्किल्स समन अ गुड डिबेटर जैसे स्कूल कॉलेज में आपने डिबेट किया होगा तो देखा होगा कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग होते हैं चाहे वो फार बोल रहे हैं अगेंस्ट बोल रहे हैं उनके पास उनके हर एक ओपिनियन के लिए प्रॉपर आर्ग्यूमेंट डेटा फैक्ट फिगर और आपको बहुत ही कन्विंसिंग कोजिन आर्टिकुलेट मालूम पड़ते हैं तो ऐसे लोगों को वक्ता को डिबेटर को हम इस्तेमाल करते हैं और फिनेस का इस्तेमाल होता है जो इंसान के अंदर आ, एक इस तरह की क्वालिटी हो जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाए जिसको कहते हैं क्लासी एलिगेंट आप एक अच्छे मॉडल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो लाइक सम देर इज अ मॉडल वॉकिंग डाउन ऑन रैम्प और देर इज अ क्लास देर इज एलिगेंस राइट उसकी वॉकिंग स्टाइल में पर्सनैलिटी में तो वो फिनेस का इस्तेमाल वहां पे होता है कहने का मतलब आप जिस भी फील्ड में हैं अगर आप उसमें एक अच्छे लेवल पे हैं आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कैरी करते हैं बड़े क्लासी तरीके से रहते हैं तो उसे हम फिनेस कहेंगे जैसे यहां पे अब जब बात हो रही है एक रिनोन्ड ऑरेटर की इसका मतलब उस ओरेटर का कंडक्ट बहुत अच्छा था जिस तरीके से उसने पूरा माहौल बनाया जिस तरह से अपनी बात रखी बात रखने का तरीका वो फिनेस के अंदर आ जाएगा एडुगू आपको बता दिया तो बहुत बेसिक वर्ड है हार्ड वर्क के लिए मेहनत के लिए इस्तेमाल होता है और टीडीएम शब्द आपने सुना होगा ना टीडीएस कोई भी काम टीडीएस कब लगता है टीडीएस डी वजह कब खत्म होगा जिसको हम कहते हैं बोरिंग सा यू नो मोनाटनस काम अभी हमने अटोनमी uh, करी है ये मोनोटनी होती है जी मोनोटनी इज अ राइट वर्ड फॉर दिस तो टीडीएम के लिए अभी देखो जबान पे आई गया ये मोनोटनी है नो मोनोटनी मोनोटनस एडजेक्टिव हो जाता है और मोनोटनी का मतलब वही बोरिंग टीडियम, सो टीडियस आपने सुना वो एडजेक्टिव है उसी का नाउन फॉर्म है ये, ठीक है, हार्ड वर्क परिश्रम मेहनत द स्किल्ड पीडियाट्रिक नर्स फेड द प्रीमच्योर बेबी राइट अब इसके पहले आपको एक एडवर्ब चाहिए बताइए क्या लग रहा है कौन से एडवर्ब के साथ जाओगे आप केयरलेसली प्रिकेरियसली जिंजरली एंड वैंटनली हैलो मोहम्मद साहब गुड पोलेमिकल स्किल्स अपना नॉट पोलेमिक स्किल्स पोलेमिक इज नाउन यू नो समन हीज अ गुड पोलेमिक यू कैन से ऑफलाइन नहीं है यादव जी अभी बिल्कुल और ऑनलाइन ही है बिकॉज ऑनलाइन में Uh, एक तो जितने स्टूडेंट्स को हम सर्व कर पाते हैं ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स आ भी नहीं सकते तो घर बैठे उनको अगर जो सीखने को मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है आपको बैच मिल जाएगा आप करियर वेल ऐप पे बैंकिंग वाले सेक्शन में जाएंगे वहां ऐप वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वहां से एडमिशन ले सकते हैं जो बैच आया हुआ उसकी एडमिशन ऑन है चलिए जी तो पहली बात वही कि यहां पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए नेगेटिव वर्ड चाहिए पहले ये बताओ मुझे व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज रिक्वायर्ड आउट हियर इट इज टॉकिंग अबाउट स्किल्ड पीडियाट्रिक नर्स फेड द प्रीमच्योर बेबी तो पहले ही लिख दिया स्किल्ड इसका मतलब कि यहां पे जो एडवर्ब है वो पॉजिटिव हमें चाहिए और केयरलेसली गायब हो गया और प्री केयरियसली गायब हो गया जिंजरली यहां पे करेक्ट ऑप्शन है केयरलेसली तो करेगी नहीं वो स्किल्ड नर्स लिखा गया है और प्रीमच्योर बेबी को जब समय से पहले ही पैदा हो गया उसको फीड करा रही है तो वो जाहिर तौर पर केयरलेसली नहीं होगी और प्रिकैरियस क्या होता है समथिंग विच इज़ प्रिकैरियस प्रिकैरियस का मतलब अनस्टेबल जो कभी भी गिर जाए टाइप यू नो अनस्टेबल जिसको कई बार हम इकोनमी uh, में यूज करते हैं वोलाटाइल यू नो बहुत वोलाटाइल सिचुएशन है कोई स्टेबिलिटी नहीं है वो चीज़ कभी भी गिर सकती है प्रिकैरियस जिसमें स्टेबिलिटी ना हो तो अगेन इसका कोई लेना देना नहीं है अगेन नेगेटिव शब्द हो गया जिंजरली का मतलब होता है केयरफुली केयरफुली याद रखिए इसका मतलब होता है इस वर्ड का मतलब कोई बताएगा मुझे वैंटन, का? Word, वैंटन? एक वर्ड आपको कराया होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वोकैप सेशन पड़े हुए हैं और क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं हम एक शब्द किया था हमने फिलेंडर किसी को याद आ रहा है फिलेंडर किसके लिए यूज करते हैं हाँ जी फिल रूट वर्ड से यह शब्द इस्तेमाल हुआ था फिलेंडर जो है वो अपने आप में वॉब है और जो इस वॉब में एक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे फिलेंडर कहते हैं सो फिलेंडर इज अ पर्सन या फिलेंडरिंग का मतलब क्या होता है समन हैज अ मैन इन जनरल एक पुरुष जिसका बहुत सारे महिलाओं के साथ कैजुअल रिलेशनशिप है आ, उसको हम कहते हैं फिलेंडर वो फिलेंडरिंग कर रहा है यू you नो know?

एक तरह से उसका एनालॉगस वर्ड एक महिला के लिए वेंटन इस्तेमाल हो जाता है ठीक है तो वेंटन शब्द जो है ना वो नाउन एडजेक्टिव वर्ब कई तरीकों से इस्तेमाल हो एडवर्ब के तौर पे आपको दिख ही रहा है यहां पे तो वेंटन आप उस लेडी को कहते हैं हु है अ लेडी हु हैज मल्टीपल रिलेशनशिप्स अनरिस्ट्रेंड सेक्शुअल बिहेवियर जिसको कहते हैं उसके लिए कुछ और एडजेक्टिव दिमाग में आ रहा है जैसे प्रोमिसक्यूअस शब्द आता है प्रोमिसक्यूअस या देर इज अ वर्ड लिसेंसियस इन थोड़े शब्दों को थोड़ा और आप सर्च करिएगा मैंने आपको हिंट दे दिया तो यह आपको ध्यान में रहेगा ठीक है इज इट क्लियर टू एवरी वन बात समझ में आ गई तो जैसे मैंने कहा कि ये कई सेंस में ग्रामेटिकल प्रोफाइल जैसे ये नाउन वाले सेंस में हो गया एडजेक्टिव के लिए जैसे मैंने कहा या प्रोमिसर यावियर उस तरीके से यूज हो जाता है कोई वेंटनिंग कर रहा है जैसे मतलब वो एक्शन के लिए आ गया वर्ब के लिए आ गया विलफुल तरीके से जानबूझ करके डिलीबरेट आप कुछ कर रहे हैं तो ये सारा मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता लग गया जिंजरली याद रखिएगा अच्छा शब्द है द हेल द कॉर्न फील्ड अंटिल द इंटायर क्रॉप वॉज लॉस्ट हेल स्टॉम ओले पड़ रहे हैं पूरी फील्ड को तबाह कर दिया जब तक सारी फसल खराब नहीं हो गई अब खुद देख लो अब, अब मुझे यह लगता है कि शायद बी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता है ये सर नो बी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे शब्दों का मतलब तो पता है ना बेसिक वर्ड्स हैं बी लिटिल करना किसी को डिस्पेरिस करना डेरोगेट करना नीचा दिखाना डेप्रिकेट करना इट्स अ वेरी इजी वर्ड अगेन रिब्यूक करना फटकार लगाना एडमोनिस यू नो और कमेंट करना तारीफ करना देखो तो ये भी एक तरीका है फिलर के अंदर क्वेश्चन करने का आप ये परेशान मत हो जाइए यू नो कि मैं मुझे पॉमेंट का मतलब ही नहीं पता यू नो फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग अक्रॉस टू दिस पर्टिकुलर वर्ड तो परेशान नहीं होना है हमें हम एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं आपको पता है सेंटेंस को पढ़ करके कि यार हेल लिखा हुआ उसके बाद हमें वर्ब चाहिए वो पूरी कॉर्न फील्ड को तबाह कर दिया वहां ना तो बी लिटिल करने का मतलब है ना रिब्यूक का ना कमेंडेड का भले ही आपको पमेंट का मतलब नहीं पता बट जस्ट अप्लाइंग योर मैनेजीरियल मेटल कॉमन सेंस यू विल गो विद द बी ऑप्शन सो ये चीज एग्जाम के अंदर बहुत काम की होती है कि इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड स्टिल यू कैन चूज दैट वर्ड बिकॉज

फुली अप्लाई हो रही है आपके ऊपर बींग अ डायरेक्ट रिलेटिव ऑफ द डिसीज हर क्लेम टू द स्टेट वॉज ऑप्शनल विशियस प्रोमिनेंट लेजिटमेट इजी क्वेश्चन अगेन यानी जो मरने वाला व्यक्ति था डिसीज का मतलब जो मृत उसके डायरेक्ट रिलेटिव होते हुए उसका क्लेम स्टेट के लिए कैसा था कि मैं भाई डायरेक्ट रिलेटिव हूं यानी उससे संबंधित सारी चीजें मेरे साथ होंगी जाहिर तौर लेजिटिमेट था लेग रूट वर्ड है चीजेंट इन लेट लेजिस्लेशन लेजिस्लेचर ये सारे के सारे शब्द यहीं से पैदा होते हैं ठीक है तो वो लेजिटिमेट था बिल्कुल उसका ये क्लेम बिल्कुल जायज था ये इसका मतलब हो गया प्रोमिनेंट प्रभावी होता है विशियस नेगेटिव शब्द कई बार हम सुनते हैं विसियस साइकिल वाइस से पैदा होता है नेगेटिव वर्ड एंड ऑप्शनल आप जानते हैं सो द क्वेश्चन वाज इजी इस तरह से एग्जाम में हमें मिलता है कि भाई वहां पे मॉडरेट इजी डिफिकल्ट उसी तरह का सेट मैं यहां पे भी आपको दूंगा शी प्रिटेंडेड टू बी अबाउट हर अपकमिंग परफॉर्मेंस बट सीक्रेटली शी वाज वेरी एक्साइटेड यस व्हाट डू यू थिंक व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्या बात है सपना को समर हीट याद है वेरी गुड अब अब देखो उसने नाटक किया अपने अपकमिंग परफॉर्मेंस के बारे में Pretended लिखा है, मतलब कुछ और मास्क करने की कोशिश कर रही थी बट सीक्रेटली शी वाज वेरी एक्साइटेड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ब्लाजे शायद आपको इसका मतलब ना पता हो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं ब्लाजे का और इसके साथ कई बार लोग ब्लेज को कंफ्यूज करते हैं ब्लेज कई जगह पे ऐसी भी लिखा होता है तो ब्लेज तो हम आग के लिए फ्लेम के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां बहुत यू you नो know, आग तेजी से बढ़ रही हो कई बार आप यूज करते हो तो बिल्डिंग गॉट एप्सिल्यूटली अ ब्लेज अचानक यू नो आग की गिरफ्त में आ जाए बट दिस द दिसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ब्लाजे इट्स नॉट ब्लेज एंड ब्लाजे मीन्स दैट यू आर फीलिंग अन इंटरेस्टेड इन समथिंग बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दैट जैसे कोई जोक आप एक बार सुन चुके हो पहली बार तो आपको हंसी खूब आती है लेकिन दोबारा आपके हंसी की वो इंटेंसिटी नहीं होती क्योंकि आपने पहले उसको एक्सपीरियंस कर लिया है हो सकता है जो ज्यादा खतरनाक हो तो दूसरी बार भी थोड़ा हंस लो तीसरी बार तो नहीं ही हंसोगे राइट right? तो वही वाली बात है कि ना यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस पहले कर दिया तो ये लड़की भी क्या नाटक कर रही है कि नहीं नहीं मेरे लिए कौन सी नई बात है मैं तो रोज ऐसे परफॉर्म करती हूँ है ना तो वो ब्लाजे वही दिखा रही है शी शी टू बी ब्लाजे अबाउट हर परफॉर्मेंस कि इज नॉट वेरी एक्साइटेड ये तो उसका रूटीन काम है शी इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मर एंड शी डज़ दिस थिंग विद लॉट ऑफ ग्रेस एंड फिनेस एंड एलिगेंस ऑल द टाइम बट अंदर अंदर वो एक्साइटेड थी दैट इज अ राइट वर्ड आउट हियर। एजिटेटेड एजिटेशन आंदोलन एजिटेटेड फील करना अंदर ही आंदोलित फील कर रहे हो आप रिसेप्टिव जैसे आप सभी लोग बड़े रिसेप्टिव हैं Uh, अच्छे से रिसेप्शन कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं चीजों को जो ध्यान से सुने समझे देखे उसे रिसेप्टिव कहा जाएगा और कैंडिड अगेन अब आप लोग आजकल तो कैंडिड शॉट के जमाने में जीरो तो इस वर्ड का मुझे मतलब ही नहीं बताने का जहां पे कोई मास्किंग ना हो कैंडिड, कैंडिड शॉट, कैंडिड टॉक ये वी वर टायर्ड वेन वी रीच द बट द स्पेक्टेक्यूलर व्यू ऑफ द वैली बिलो वॉज वर्थ द हाइक यस वॉट डू यू से फर्स्ट मार्च से कोई बैच बैंकिंग का स्टार्ट नहीं हुआ फोर्टीन फेब को बैच आया था उसी बैच में एडमिशन कॉन्टीन्यूड हैं इस महीने बैंकिंग का कोई नया बैच आएगा वो आएगा इंग्लिश मीडियम बैच वर ये जो आपका बाईलिंगुअल है वो नहीं आएगा तो बाईलिंगुअल बैच फिर आपको अप्रैल मंथ में मिलेगा तो जो भी लेना चाहते हैं आई वुड एडवाइज़ यू कि आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं एक साल की वैलिडिटी है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिर आपकी तैयारी एक, एक महीने और डिले होगी डेढ़ महीने और डिले होगी तो इतना कोर्स जो हो चुका वो भी आप देख सकते हो वीकेंड्स वैसे भी ऑफ होते सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू सो उस बैच में पूरे मार्च में एडमिशन ऑन है आप जो भी लेना चाहें आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं एंड विल कम विद एन इंग्लिश मीडियम बैच बिकॉज दैट हैज बीन द डिमांड फॉर अ लॉन्ग टाइम पर्टिकुलरली फॉर सदर्न पार्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे इन बैचेज में भी स्टूडेंट्स होते हैं उन एरियाज से बट वो बेचारे थोड़े परेशान होते बिकॉज हमें हिंदी तो बोलनी ही पड़ती है बट उन बैचेस में पूरी इंग्लिश मीडियम बैच होगा वो और वो आएगा आपको होली के बाद इस महीने में 25 तारीख को मैं आपको अग्रिम सूचना दे दे रहा हूँ तो भाई यहाँ पे देखो बहुत आसान सा है ये सेंटेंस खुद ही बता रहा है कि हम ऊंचाई पे पहुँचने के बाद बिल्कुल थक चुके थे लेकिन जो स्पेक्टेकुलर व्यू था आप जब किसी पहाड़ी की ऊँचाई में पहुँच जाते हैं तो वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है तो वही लिखा है स्पेक्टेकुलर व्यू वैली बिलो जो नीचे आपकी दिख रही थी वो वर्थ दाइट थी उतनी मेहनत जो आपने चढ़ाई करी, समिट का मतलब होता है चोटी अब देखो बहुत सारे शब्द शब्द जो ना, आप आप जैसे पीक शब्द का का इस्तेमाल होता है, तो किसके साथ जोड़ी बनती होगी तो पीक ऑफ करियर नहीं होता वहां पर एंड दैट इज वाई आई अर्ज यू पीपल ऑल द टाइम डू नॉट मग हिंदी मीनिंग आप उस हिसाब से कहोगे नादर भी होता है सर टॉप तो टॉप के लिए बड़े सारे शब्द हैं हमारे पास दस वर्ड मैं बोल सकता हूं बट अगेन सबके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं इसीलिए सिनोनिम रटने का कोई फायदा नहीं होता नादिर भी टॉप पे है सरकम तो खैर घेरा हो गया और फलक्रम फलक्रम क्या होता है जैसे आ, अगर मान लो ये जो पेन है वो मेरे हाथ के अराउंड यहां पे घूम रही तो दिस इज द फलक्रम पॉइंट जिसको हम कहते हैं ना इंस्ट्रूमेंटल पिवटल वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरा मोशन टिका हुआ है जैसे लीवर होता है कोई तो गियर का लीवर है राइट right? तो ये जो पॉइंट है दिस इज द फलक्रम पॉइंट उसको फलक्रम बोलते हैं जिसके अराउंड uh, या उस पॉइंट के अराउंड ही सारा मोशन टिका होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पिविटल इंस्ट्रूमेंटल ये सब शब्द आप सुनते हैं उसके लिए ये मतलब होता है फलक्रम का लेकिन नादिर और सम्मिट दोनों ऊंचाई के लिए बट नादिर का इस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होगा पहाड़ी की चोटी के लिए सम्मिट होता है सम्मिट मीटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है ये भी देखिए और यही तो कहानी है अंग्रेजी की बिकॉज इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं होमोनीम्स जहां पे स्पेलिंग एक है प्रोनाउंसिएशन एक है बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दैट वर्ड इज यूज डिफरेंटली एनी वे नादिर का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है नादिर ऊपर का पॉइंट होता है कि नीचे का पॉइंट होता है <laughs> जेनेत हाँ जी जेनेत होता है जेनित ऊपर का होता है बिल्कुल मॉक वो मॉकी चल रहा है ये भाई और कुछ नहीं चल रहा टॉपिक वाइज चल रहा है फिर हम उसके बाद एक साथ जो है सारे टॉपिक्स करेंगे लेकिन पहले हर एक टॉपिक को मैं पहला पैराजल के भी कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा आपको क्लोज टेस्ट भी कर लेंगे हम यहां पे तो हर तरह के क्वेश्चन करके पहले मंडे को आपकी मुलाकात होगी अगर आप चाहोगे तो फिलर के और क्वेश्चन कर सकते हैं हां जी नादिर जो शब्द है वो ऊपर के लिए था कि नीचे के लिए था मैंने अभी आपको बोला जेनिथ ऊपर के लिए होता है इस बात का ध्यान रखिए कि किसी ने काउंटर किया था कि नहीं किया था नहीं सब चुपचाप सुनते रहते हो क्यों नादिर शब्द सुना नहीं इसके पहले वो जी वाले जी जेनिथ अवार्ड दिया करते थे जो लोग मतलब परफॉर्मेंस में अच्छे होते थे तो आज से ध्यान रखिए जेनिथ जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है नादिर लो होता है लोवेस्ट पॉइंट होता है जेनिथ एंड नादिर वो एपोजी और पेरिजी भी पढ़ते हैं आप सन के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑर्बिटल मोशन होता है तो खैर यहाँ पे करेक्ट वर्ड सबमिट है आगे बढ़ते हैं एलिफेंट्स फ्रॉम वाइल्ड नॉट ओनली एंडेंजर्स द स्पीसीज बट ऑल्सो अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर आई थिंक इट्स प्रटी ईजी पोचिंग जो शिकार होता है जानवरों का उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ हाथियों के शिकार की बात हो रही है कि पोजिंग एलिफेंट्स फ्रॉम द वाइल्ड नॉट ओनली एन डैंजरस द स्पीसीज सिर्फ स्पीसीज को खतरे में नहीं डालता बैलेंस ऑफ नेचर को भी अपसेट करता है प्रोवोक बहुत आसान शब्द है हिंडर बहुत आसान शब्द है हिंडर करना एक अच्छा शब्द इसके लिए आता है थवार्ट याद रखिए थार्टिंग आता है और कौन सा एक गोल्फ के खेल से आने वाला शब्द है स्टाइमी स्टाइमीड इसका भी इस्तेमाल होता है रुकावट के लिए आप जब किसी चीज को इस टाइमिंग करते हैं इम्पीड शब्द आता है इम्पीड करना इम्पेडिमेंट शब्द यहीं से पैदा हुआ है रुकावटें खड़ी करना प्रोवोक आपको पता है कंट्राइव करने का मतलब क्या होता है कंट्राइविंग डिवाइस जैसे वो जुगाड़ू डिवाइस जो होती है जिसके जरिए आप अपना काम निकाल लें किसी ना किसी तरीके से ठीक है नेक्स्ट वन द यंग वुमन गेव जेनरसली टू मेनी वर्दी कॉजेज यस इस यंग वुमन के लिए क्या एडजेक्टिव लगाने वाले इन ग्रिगेरियस एंड पर्सनेबल सो जब यहाँ गेव की बात हो रही है और जेनरसली बात हो रही है यानी दिल खोल के दान दक्षिणा करना सो द वर्ड इज वॉट दैट इज बेनोवलेंट बड़ा पुराना वर्ड है एग्जाम्स का बेन का मतलब गुड वोल का मतलब चाहना टू विश यानी जो दूसरों का भला चाहे ये गुड हो जाता है बेनोवलेंट और एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो जाता है इसका मेलोवलेंट तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बिल्कुल उदार दूसरों का भला चाहने वाले महिला की जो बहुत सारे वर्दी कॉजेस के लिए जेनरसली दिल खोल के बड़े दिल वाली है इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है जो बहुत उदार दिल का हो तो वर्ड इज मगनेमस मग्नेमस बड़े दिल वाला उदार इज बेग ग्रिगरियस आप जानते हैं ग्रेग रूट वर्ड है ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप और ग्रिगेरियस इंसान का मतलब क्या होता है द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज समन इज वेरी सोसेबल जो बड़ा मिलनसार है लोगों के साथ ग्रुप में रहता है इंसाइजिव इंसाइजिव कॉमेंट नो कोई चीज जिसकी धार बड़ी मजबूत हो दैट इज इंसाइजिव सो दैट्स ऑल फॉर टूडे सेशन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड लेट्स कैचअप ऑन मंडे एट सेवन पी एम ऑन द सेम चैनल एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन मोर टॉपिक कमेंट सेक्शन में टाइट टॉपिक आप बता सकते हैं आपकी जो भी अंग्रेजी में दर्द वाला हिस्सा है जहाँ जहाँ पे दिक्कतें हैं वो टॉपिक बता सकते हैं आप वी कैन डिस्कस यू नो क्लोज टेस्ट डिस्कस कर सकते हैं पैराजल्स डिस्कस कर सकते हैं जो भी चाहिए आपको मतलब यही सारे टॉपिक्स इंग्लिश यूश बेस्ड ऑर्ड वन आउट है पैरा कंप्लीसन है पैराजल्स हैं फिलर्स हमने किया क्लोज टेस्ट तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्लोज टेस्ट चाहिए अगली क्लास में जनता की बेहद मांग पे चलिए सो so मिलते हैं मंडे को और टॉपिक वहां पे अपडेटेड रहेगा थैंक यू थैंक यू खुशी एंड प्लीज डू शेयर द सेशन लाइक द सेशन नया चैनल है राइट तो थोड़ा चैनल को बढ़ाइए राइट ज्ञान का सेशन यहां मिल रहा है आशीष सर मेहनत करते हैं रोज सेशन होता है सर का अब मैं तीन दिन ही आ पाता हूं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें मैचिंग वाले जो आते हैं वो करा दीजिए सर ओके अजय ठीक है जो कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन हैं ग्रामर बेस्ड भी आते हैं वो कैप बेस्ड भी आते हैं क्वेश्चन करा दूंगा मैं और डेफिनेटली जो हमारा होली के बाद एग्जाम से जस्ट पहले आपका मैराथन चलेगा सेशन और मैराथन में जैसे कंप्लीट पेपर होता है उस तरह का ही हम करेंगे और उसमें डेफिनेटली हर तरह के क्वेश्चन टाइप वहां पे सॉल्व होंगे तो उसका मैं इवेंट uh, भी जल्दी बनवा देता हूं कि आपको पता रहे कि दिन कब है और कब वो मैराथन सेशन होगा तो जो लोग फर्स्ट टाइम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ये आप अभी तक अगर बैंकिंग के पेपर नहीं लिखे हैं आपने आपको भी बिल्कुल सहूलियत होगी आप पहले से जानकार होंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है मोहम्मद साहब सीजीएल वाला बैच जो है वो वीओडी अवेलेबल है इस समय करियर वेल ऐप पे मेरे कौन कौन से बैचे अवेलेबल हैं बैंकिंग का बैच अवेलेबल है तो खैर पूरी टीम के साथ है राइट और मेरा जो बैच है वो आपका एक तो स्पोकन बैच की वीओडी अवेलेबल है क्योंकि उसकी बड़ी डिमांड थी लंबे समय से और बहुत ही डिटेल्ड बैच है वो भी जिसमें इंटरव्यू जी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ प्रोनंसिएशन का तरीका कैसे क्या बेहतर कर सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस हैं तो वो बैच अवेलेबल है और फाउंडेशन बैच की वी अवेलेबल है जिसको इंग्लिश बेसिक से सीखनी है तो वहाँ पे जाकर के आप उन दोनों बैचेस को अवेल कर सकते हैं चलिए थैंक यू थैंक यू एवरीवन रीजनिंग की भी क्लास होगी खुशी डोंट वरी अबाउट दैट राहुल डिस्काउंट ऑलरेडी बहुत समय तक था डिस्काउंटेड ही है वो हैवीली डिस्काउंटेड है भाई पांच सब्जेक्ट हैं दो हज़ार फीस है अब और क्या डिस्काउंट चाहिए है ना चार सौ रुपये में इंग्लिश पढ़ रहे हो चार सौ रुपये में मैथ्स पढ़ रहे हो घर पे बैठे हुए कैट पढ़ाने वाले फैकल्टीज के साथ अभी और क्या चाहिए इतनी सारी क्लासेस चलिए तो वो ऑलरेडी हैवीली डिस्काउंटेड है आप सुविधा ले सकते हैं वहां पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मंडे को थैंक यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ